खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन उत्तराखंड के मंगलोर में सरकार की इस योजना को अधिकारी पतीला लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण बस स्टैंड पर बना सार्वजनिक शौचालय खराब हो गया है। लाखों रुपए की लागत से बना शौचालय गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। बता दें, शौचालय की टंकी तक उपलब्ध नहीं है, ना ही पानी की कोई सुविधा है, जिसके कारण यात्रियों को खुले में ही शौच करना पड़ता है। खासकर चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के लिए रखा पेयजल फ्रिज भी जर्जर अवस्था में मिला है। कई बार नगर पालिका के अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक आला अधिकारियों तक सार्वजनिक शौचालय को दुरुस्त किए जाने की मांग कर चुके हैं। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। और अफसर से हम यात्रा पर टूर के लिए आए थे हरिद्वार। अब हरिद्वार से गाड़ी हमारी खराब हो गई, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मैंगलोर बस स्टैंड पर हमने इसको सर्विस के लिए आए थे। तो यहाँ जो शौचालय बना हुआ था उसमें कोई सुविधा नहीं है, ना तो पानी की है, नल टूटे हुए हैं, अंदर पानी नहीं है, सफाई नहीं है, पीक फेंकी हुई है। महिलाओं को ना शौचालय की जरूरत होती है और यहाँ पे ना तो पानी है, शौचालय बिल्कुल गंदे हैं, एक तो टंकी टूटी हुई है, बिल्कुल ही महिलाओं के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, जो कि होना चाहिए। बोलते हैं कि महिलाओं के लिए इतना अच्छा करते हैं, ये करते हैं, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये कि अभी मैं अभी मंगलोर से बात करता हूँ, ऐसे तो हमने सबको यही पहले से निर्देशित करा है, क्योंकि आगामी आपका चारधाम यात्रा भी आ रही है, कि सारे जो भी टॉयलेट्स हैं वो पूर्णतः क्लियर हो। अगर ऐसा होगा तो मैं कार्रवाई करूँगा ये मंगलोर पे, और अगर और कहीं नीड है तो वो भी उनसे डिस्कस करके नहीं और भी हम सेटअप करेंगे। मंगलोर का जो है ये प्रवेश द्वार है, मंगलोर उत्तराखंड का और देवभूमि का भी प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं का टोटा है। मंगलोर की आज स्थिति बहुत दयनीय है। मंगलोर बस स्टैंड पे आज पीने के पानी की, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर शौचालय में आप जाकर देखें तो सारी जो पानी की टंकी है टूटी हुई हैं, और फ्लैश की जो सीट है वो भी पानी भरा पड़ा है, गंदगी मची हुई है। यात्री अगर आए तो वो कहाँ कैसे अपने जो है अपने आप को फ्रेश महसूस करेगा।